अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, या जिसको हम फॉरेन ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होगा दैट विल बी लेक्चर नंबर 5, और जो हमारा टॉपिक आज का रहेगा दैट विल बी इंपोर्ट प्रोसीजर। यस, इंपोर्ट प्रोसीजर, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी दूसरे कंट्री से खरीदना चाहते हो, कौन कौन से फॉर्मेलिटीज, कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने हैं ताकि आप दूसरे कंट्री में जाकर वहां से कोई प्रोडक्ट खरीद सकोगे, इसी को हम नाम देते हैं इंपोर्ट प्रोसीजर। अगर आपने इसे प्रीवियस वाला लेक्चर सुना होगा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, अगर आपने वो अच्छे से देखा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा, हमें ये बहुत, आपको ये बहुत आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा अगर आपने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं फिर से, वंस अगेन आप उस लेक्चर को देखिए, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप उस लेक्चर को फिर से एक दफा देखिए। चलिए देखते हैं आज इंपोर्ट प्रोसीजर होता क्या है, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री से खरीदना चाहते हो, अपने कंट्री में लाना चाहते हो, आपको कौन कौन से फॉर्मेलिटीज पूरे करने हैं या कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाने हैं इस कोई चीज इंपोर्ट करने के लिए, अपने अपनी कंट्री में लाने के लिए। तो नाउ लेट डिस्कस देम वन बाय वन। दैट्स नंबर फर्स्ट इज ट्रेड इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस। सबसे पहला जो स्टेप है, अगर एक डोमेस्टिक कंट्री का बंदा कोई प्रोडक्ट किसी फॉरेन कंट्री से खरीदना चाहता है, सबसे पहले वो क्या करता है, अपनी ख्वाहिश जाहिर करता है कि मुझे ऐसे क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस ऐसा होगा, जिसकी क्वालिटी ऐसी होगी, और मुझे फलानी डेट तक ये प्रोडक्ट चाहिए। यानी पहले वो अपनी बात आगे रखता है, उस बंदे के पास रखता है जिस बंदे से उसको प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे आप बाय मेल से आप ये चीजें उसको भेजोगे या बाय फोनिक कन्वर्सेशन से आप उसको बोलोगे, गर्ज आप पहले अपनी राय उसके साथ शेयर करते हो, उसी चीज को हम कहते हैं ट्रेड इंक्वायरी। जब आप उसको यहां से अपनी राय देते हो, वो आपको वहां से अपनी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं कोटेशन। उस कोटेशन से, यानी कि आपको एक्सपोर्टर आपको भेजेगा, ये सेलर आपको भेजेगा, सेलर आपको वहां से देगा अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, आपको देगा कि हमारे पास प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसका कलर क्या है, उसका साइज क्या है, उसका वेट क्या है, उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, गर्स अपने प्रोडक्ट के बारे में वो आपको इंफॉर्मेशन देगा। दैट्स कॉल्ड सेंडिंग कोटेशंस, उसकी तरफ से ये सेंडिंग आएगा, आपकी तरफ से रिसीविंग कोटेशंस आएगा। तो पहले स्टेप में हमने ये देखा कि पहले बायर अपनी कंट्री में बैठ के, ये मान लीजिए इंडिया का कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री में कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो पहले वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करेगा, फिर वहां से वो जो सेलर होगा वो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्म करेगा। अच्छा, अब आपने इंफॉर्मेशन भी पकड़ी, यहां से राय भी दी, वहां से इंफॉर्मेशन पकड़ी, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अगर आप उस प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई हो गए तो आप फर्दर स्टेप्स प्रोसीड करोगे, तो आप आगे बढ़ोगे। अगर आप उसी टाइम प्रोडक्ट के बारे में आप सेटिस्फाई नहीं होगे, यू विल क्वाइट एंड यू विल मूव टू द नेक्स्ट सेलर की ओर। सो अब आप मान लीजिए, अब आप सेटिस्फाई हो गए, अब आप पॉइंट नंबर सेकंड या स्टेप नंबर सेकंड उठाओगे, दैट इज प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस। आप वहां की कंट्री से आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको लाइसेंस हासिल करनी है, अगर आप फिजिकली वहां विजिट करना चाहते हो, वहां से खुद चीजें लेके आना चाहते हो शिपमेंट के जरिए व्हाटएवर किस के जरिए से, तो आपको पहले इंपोर्ट करने के लिए दूसरी कंट्री से कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको लाइसेंस हासिल करनी पड़ती है। किन से? कस्टम अथॉरिटी से, जो हमने वहां पर भी पढ़ा जब हमने एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा, वहां पे हमने देखा DGFT से, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो होता है, वहां से लाइसेंस हासिल करनी पड़ती है। सेम इज द केस विद हियर, कि आपको यहां पे भी लाइसेंस हासिल करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम एनी अदर कंट्री टुवर्ड्स योर ओन कंट्री। तो चीजें खरीदने के लिए आपको बाजार इंपोर्ट लाइसेंस हासिल करनी पड़ती है। इंपोर्ट लाइसेंस आपको तभी दिया जाता है जब आपके पास कोई बैंक अकाउंट खोला होगा, जब आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी हासिल किया होगा कस्टम अथॉरिटी से, तब जाके आपको लाइसेंस हासिल हो सकती है। इसके बाद जब आपने लाइसेंस हासिल किया है दूसरी कंट्री में जाने के लिए, प्रोडक्ट वहां से खरीदने के लिए, जब आपने लाइसेंस एक्वायर किया, उसके बाद आप फॉरेन एक्सचेंज
ऑप्टेन करते हो। आप मान लीजिए आप इंडिया में रहते हो, आप यूएसए से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो यूएसए की करेंसी डॉलर्स है, यहां के हमारे कंट्री में जो करेंसी है दैट इज इंडियन रुपीज, यहां के रुपीज आपको वहां पे नहीं चलेंगे, दे विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल, यू नीड US dollars in order to buy any product from the US country. So, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी करेंसी को बदलाना है, आपको पहले डॉलर्स हासिल करने हैं, जो डॉलर्स आप यूएसए के ट्रेडर को देकर वहां से प्रोडक्ट खरीद सकोगे। तो ये अपनी करेंसी एक्सचेंज करना, इसी को हम कहते हैं ऑब्टेनिंग फॉरेन एक्सचेंज, यानी वहां की कंट्री का करेंसी अचीव करना जिससे आप कल पेमेंट कर सकोगे, वो पहले हासिल करना, जिस कंट्री में आप प्रोडक्ट खरीदना चाहोगे उस कंट्री की एक्सचेंज या उस कंट्री की करेंसी आपको पहले अक्वायर करनी पड़ती है, तब जाके आप वहां से प्रोडक्ट खरीद सकोगे, तब जाके उसको पेमेंट कर सकोगे। सो ऑब्टेनिंग फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज आपको ऑप्टेन करनी पड़ती है, इसके लिए बहुत सारे बैंक्स बनाए गए जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सेटअप किए हैं, जैसे ओरिएंटल बैंक है, आप वहां से अपनी करेंसी बदला सकते हो। इस तरह नंबर ऑफ ब्रांच खोले गए जिन ब्रांच का मुद्दा और मकसद यही है कि जब भी कोई बंदा आपके पास कोई फॉरेन कंट्री का करेंसी मांगना चाहेगा, यू कैन प्रोवाइड देम। सो इट्स एन ईजी, यहां पर आप बैंक के द्वारा अपनी करेंसी बदला सकते हो। इसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर और इंटेंट, इसके बाद जब आपने फॉरेन करेंसी वगैरह हासिल की, इसके बाद आप उसको ऑर्डर करोगे, जिस कंपनी के आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं, जिस कंपनी के आपने कोटेशंस रिसीव की है, उस कंपनी के जब आपके प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगे, आपको तसल्ली होगी, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे बराबरी आ गई, तब जाके आप क्या करते हो, आप उसको ऑर्डर देते हो कि मुझे, मैं आपको आज ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ इतने सारे प्रोडक्ट्स की, जिनकी रेट ये होनी चाहिए, जिनकी क्वालिटी ये होनी चाहिए और फलानी डेट तक ये मुझे पहुँचनी चाहिए, यानी आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रखकर उसको ऑर्डर दे देते हो, जिसको हम इंडेंट भी बोलते हैं या ऑर्डर भी बोलते हैं। जब आप उसको ऑर्डर दोगे या इंडेंट जिसको हम कहते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, वो आपसे लेटर ऑफ क्रेडिट मांगेगा, जो जहां जिस कंट्री से आप खरीदना चाहते हो वो एक्सपोर्टर आपको लेटर मांगेगा, दैट्स लेटर ऑफ क्रेडिट, किस पर्पज के लिए, अगर आपको याद होगा, टू मेक द एश्योरेंस ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस या टू मेक द एश्योरेंस ऑफ द पेमेंट, ताकि कल उसको भी लगना चाहिए कि जिस बंदे को मैं बेच रहा हूं प्रोडक्ट, कल ये मुझे पैसे के हवाले से डिफॉल्टर नहीं बनना चाहिए, कल मुझे पैसे देना चाहिए। इस चीज को कंफर्मेशन हासिल करने के लिए वो क्या करता है, वो कहता है कि आप अपने बैंक से पहले लेटर ऑफ क्रेडिट लाओ। ये लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, आप अपने बैंक के पास जाते हो, आप अपने बैंक वालों को बोलते हो कि मुझे फलाने कंट्री से कोई चीज लेना था, मुझे वो कह रहा है लेटर ऑफ क्रेडिट, आप वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे, वो आपका अकाउंट वहां जाता है उस बैंक में होगा, वो आपका अमाउंट वहां पे होगा, वो आपको एश्योरेंस देंगे, वो उस बंदे को एक लेटर देंगे कि अगर आपको ये डिफॉल्टर होगा हम आपको ये पेमेंट करेंगे, हम आपकी ये जिम्मेदारी लेते हैं, वो बाजार तो उसके अमाउंट फुल अमाउंट अपने पास रखते हैं, उतना सारा अमाउंट, और कल जाके अगर ये बंदा डिफॉल्टर हो गया वो अमाउंट फिर बैंक दे देता है उसके बेसिस पे, किसको, उस एक्सपोर्टर को जहां से इस बंदे ने प्रोडक्ट खरीदा होता है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट इज एन एश्योरेंस लेटर, जिससे एक्सपोर्टर जिसे आपको प्रोडक्ट खरीदना है उसको एक तसल्ली मिलती है कि नहीं, जिस कंट्री को मैं अपना प्रोडक्ट बेच रहा हूं, जिस बंदी को मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं, मेरे पैसे कल खाएंगे नहीं, मेरे पैसे कल सेफ रहेंगे, मैं बैंक से ये पैसा हासिल कर सकता हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस का मतलब है, आप दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, बाजार आपको वाकई कुछ पैसे खर्च हो जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, वेयर हाउस के हवाले से, या उस प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, गरज पैसे तो जरूरत पड़ेंगे ही पड़ेंगे। सो पैसे, अगर आपके पास अपने पैसे हैं तो आपको बैंक पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फाइनेंस हासिल करने के लिए, लेकिन अगर आपके पास अपने पैसे नहीं है, यू हैव टू बोरो द मनी इधर फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम योर एनी फ्रेंड और एनीवन एल्स। सो सबसे पहले यहां पे आप क्या करोगे, आप फंड्स अरेंज करोगे। ये फंड्स अरेंज आप कहां से करोगे, ये आपको अब तक है, जो इंपोर्टर होता है जिसको ये चीज खरीदने, वो पहले खुद देखेगा मेरे पास कितनी कैपेसिटी है, मेरे पास कितने पैसे, चाहे मैं मुझे बैंक से निकालना होगा, उधार लेना होगा या किसी और सोर्स से लेना है, सो यहां पे वो पैसे अरेंज करेगा। इसके बाद रिसेप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस, जब वो पैसा वगैरह अरेंज करेगा तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका होगा, इसके बाद उसको एक्सपोर्टर वहां से जिस कंट्री से उसको प्रोडक्ट खरीदना है, वो एक्सपोर्टर आपको बाज़ाब्ता एडवाइस देगा कि जो जिस चीज़ के लिए आपने ऑर्डर भेजा है वो प्रोडक्ट आपको फलानी पोर्ट पे मिलेगा, अगर आप शिप्स के जरिए से आप चीज़ें खरीदना चाहते हो,
तो आपको बाज़ाब्ते इंफॉर्मेशन देगा कि अगर आप बाय एयर आप वो प्रोडक्ट भेजेगा तो आपको बाज़ाब्ते बताएगा कि आपको किस एयरपोर्ट पे जाना है, किस टाइम पे जाना है, किस डेट पे जाना है, कितने सारे प्रोडक्ट्स मैंने आपको भेजे, इनवॉइस नंबर आपको वो भेजेगा ताकि आप चीज़ें पहचान सकोगे। तो ये सब चीज़ें वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से कि किस पोर्ट पे, किस रेलवे स्टेशन पे या किस एयरपोर्ट पे आपको चीज़ें मिलेंगे। अपनी शिप उस रेलवे या उस शिप का वो नाम बताएगा आपको, वो बाज़ाब्ते डेट भी बताएगा, टाइमिंग बताएगा, किस टाइमिंग वगैरह पे गर्स हर कोई इन्फॉर्मेशन आपको वो प्रोवाइड करेगा चीज़ों के हवाले से कि कब आपको चीज़ें मिलेंगे। इसके बाद जब आप उस डेट पे जाओगे, उस पोर्ट पे जाओगे, आप बाज़ाब्ते चीज़ें हासिल करोगे, वहाँ पे आप इनवॉइस नंबर वगैरह जो भी जिन चीज़ों के लिए आपने ऑर्डर दिया होगा वो चीज़ें वहाँ पे पकड़ोगे। जब आपने चीज़ें पकड़ी इसके बाद आप उनको घर ले सकते हो, लेकिन घर लेने से पहले आपको कस्टम अथॉरिटी से क्लियरेंस हासिल करनी पड़ती है। क्लियरेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो कस्टम ऑफिसर वहाँ पे होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेट किया है कस्टम अथॉरिटी, जिसका काम यही होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम निभाना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो प्रोसीजर्स है उसको सेट करना, ये उनका काम होता है। वो जो लवाजमत है, वो जो रेगुलेट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम रेगुलेट करना कस्टम अथॉरिटी का काम होता है। आपको कस्टम अथॉरिटी से क्लियरेंस हासिल करनी पड़ती है, एनओसी हासिल करनी पड़ती है, जिससे आप वो प्रोडक्ट्स अपने घर या अपने कंट्री में ले जा सकोगे। वही इस तरह से आप चीज़ें दूसरी कंट्री से खरीद सकोगे। ये आपको कुछ स्टेप्स है जो आपको माल इंपोर्ट करने के लिए उठाने पड़ती है। होप आपको ये समझ में आ चुका। इसका अब बात है दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स आपको बनाने पड़ते हैं। वो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए देखते हैं वो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या। चलिए अब हम देखेंगे कि चाहे आप इंपोर्ट कर रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो, गर्स इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको साथ रखने पड़ते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं, वो मेन डॉक्यूमेंट्स क्या है। सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंटरनेशनल ट्रेड, ये हमारा इसके साथ ही जो हमने इम्पोर्ट प्रोसीजर पढ़ा, एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ा, उसके साथ ये टॉपिक रिलेटेड है। तो हमारे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या है, मेन डॉक्यूमेंट नंबर वन इसमें आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करने के लिए जो आपको जरूरत है, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, ये कि एग्रीमेंट होता है जिस पे बायर साइन करता है कि मैं आपको जो आपने गुड्स, जो मैंने आपसे गुड्स खरीदे हैं, इसकी मैं पेमेंट फलानी डेट पे करूंगा। जब वो साइन करता है, बायर जब साइन करता है, तो वही डॉक्यूमेंट सेलर के लिए एक प्रूफ या एविडेंस बनता है। तो उससे क्या हो जाता है, एक एग्रीमेंट में आ जाते हैं दोनों पार्टीज, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्ट, आपस में एग्रीमेंट में आ जाते हैं, जिसके जरिए से पेमेंट, ये असल में पेमेंट के लिए ये एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। तो एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसपे साइन किया होता है बायर ने कि मैंने आपसे जो गुड्स खरीदे हैं, मैं उनका उनकी पेमेंट फलानी फ्यूचर डेट पे करूंगा, इतना अमाउंट फलानी डेट पे करूंगा, ये इसमें बाज़ाब्ते एग्रीमेंट लिखा होता है। इसके बाद बिल ऑफ लेडिंग, जो दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको बनाना पड़ता है, ये बिल ऑफ लेडिंग जो है असल में ये एक्सपोर्टर को जरूरत पड़ता है। इससे क्या होता है, जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी से ये अपना प्रोडक्ट दूसरे कंट्री में ले जाना चाहता है, भेजना चाहता है, इंपोर्टर के पास ले जाना चाहता है, चाहे वो शिपिंग कंपनी हो या कोई दूसरी ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, रेलवे कंपनी, रेलवे कार्गो के थ्रू आपने प्रोडक्ट्स ये भेजना चाहते हैं दूसरी कंट्री में या शिप्स के जरिए, उस शिपिंग कंपनी या उस रेलवे डिपार्टमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक बिल बन जाती है, जिस बिल में ये लिखा होता है कि आपके इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे शिप में या हमारे ट्रेन में सवार हो गए हैं, जिनकी क्वांटिटी इतनी है, जो हमें फलानी डेट तक फलानी पोर्ट या फलानी रेलवे स्टेशन तक पहुंचाने हैं। तो वो जो बिल होता है, ये बिल ऑफ लोडिंग भी कहलाता है, बिल ऑफ लैडिंग जिसको कहा जाता है कि हाँ जी आपके गुड्स हमारे किश्ती में सवार हो गए हैं, हमारे ट्रेन में सवार हो गए हैं। तो एक एविडेंस होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कैरियर यानी ट्रांसपोर्ट कंपनी और एक्सपोर्टर के द्वारा, जिसमें वो जो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है वो उनको कहता है कि हम आपको ये एश्योरेंस देते हैं कि आपके जो गुड्स है ना, हम फलानी डेट तक फलानी जगह पहुंचाएंगे, ठीक है, जो आपने डेस्टिनेशन स्पेसिफिक की होगी उस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचा के देंगे। इसके बाद जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये मैंने आपको अभी भी कहा, ये एश्योरेंस लेटर होती है जो एक्सपोर्टर के पास पहुंचता है, इंपोर्टर के बैंक से आपको ये हासिल करते हो, जिसमें आपको इंपोर्टर का बैंक एश्योरेंस देता है कि हम आपको इतना अमाउंट फलानी डेट पे करेंगे अगर आपको इसने पैसे नहीं दिए। इसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन, एक ऐसी सर्टिफिकेट होती है जहां से आपको पता चलता है, कस्टम अथॉरिटी को पता चलता है कि जो चीजें आए
हमारे कंट्री में जो चीजें आए ये किस कंट्री से आ रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की जगह क्या है, ताकि कभी कभार मैंने आपको कहा कि किसी कंट्री को आप छूट देते हो, अगर हमारी कंट्री में फलानी जगह से कोई प्रोडक्ट आएगा हम उस प्रोडक्ट में टैक्स में छूट देंगे, रियायत देंगे, या टैक्स टैरिफ में हम रियायत देंगे, उस चीज से निपटने के लिए आप क्या करते हो, आप सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मांगते हो किससे, यानी कि कस्टम अथॉरिटी आपको एक्सपोर्टर से सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मांगेगी कि आप ये चीजें कहां से लाए, आप सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन लेके आए। इसके बाद इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको कस्टम अथॉरिटी से, जो एक्सपोर्टर होता है वो बाजबता इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट आपको देगा कि जो चीजें आप दूसरे कंट्री में ले जाना चाहते हो उन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ठीक है कि नहीं है, इन्फीरियर मतना है। और यही जो क्या कहते हैं इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट होता है ये क्वालिटी चेक का काम करती है और ये आपको मिलती है कस्टम अथॉरिटी से, ये एक्सपोर्टर को दिया जाता है, कस्टम अथॉरिटी से वो हासिल करता है। इसके बाद जो एक्सपोर्टर होता है जो अपना प्रोडक्ट किसी दूसरी कंट्री में ले जाना चाहता है, हो सकता है मतलब बीच में जो आप जिस ट्रांसपोर्ट से आपने ये चीज़ें बेची, सपोज अपनी शिप से बेची, शिप डूब भी सकती है, तूफान आ सकता है, या कोई और रीज़न हो सकता है आपकी चीज़ें जो है वो खराब हो सकते हैं, वो ज़ाया हो सकते हैं, वो गिर सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। तो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए जो एक्सपोर्टर होता है ये इंश्योरेंस करवाता है अपने गुड्स को, जो वो गुड्स अपने दूसरी कंट्री में ले जाना चाहता है। तो इंश्योरेंस क्या होता है, इससे मतलब ये सेफ हो जाता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट्स रास्ते में खराब हो गए या ज़ाया हो गए, आग लगी, व्हाटएवर क्या है, मुझे उसका मुआवजा मिल सकता है अगर मैंने इन प्रोडक्ट्स को इंश्योरेंस करवाया। तो इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स को बनाने पड़ते हैं ताकि इंश्योरेंस से फायदा हासिल कर सके। और सेवन, दैट इज पैकिंग लिस्ट। इस पैकिंग लिस्ट में बाज़ाब्ता लिखता है कि मैंने कौन कौन से आइटम्स कितनी कितनी क्वांटिटी में किस जगह ले जाने हैं, बाज़ाब्ता ये एक लिस्ट बना देता है कौन कौन सा प्रोडक्ट्स मैंने दूसरी कंट्री में भेजना है या मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स दूसरी कंट्री से हासिल करने हैं, एक लिस्ट बना देता है, दैट्स कॉल्ड पैकिंग लिस्ट। इस तरह से ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो यूज होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, जो चाहे इंपोर्टर होगा एक्सपोर्टर को दोनों को जरूरत पड़ती है, ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स है जो दोनों को इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हासिल करने में आपको ये जरूरत पड़ते हैं। होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।